दोस्तों, आज हम राशि के स्वामी और भाव का कारकत्व, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जन्म समय पर जन्म स्थान से अगर आकाश को देखें तो उस समय की ग्रह स्थिति को कुंडली कहते हैं। पृथ्वी से देखने से ग्रह एक गोले में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। इस गोले को राशि चक्र कहते हैं। इस राशि चक्र को अगर 12 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर एक भाग को एक राशि कहते हैं। इन 12 राशियों के नाम है, पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, दसवीं मकर, ग्यारहवीं कुंभ और बारहवीं मीन। राशियों का क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंडलियों में राशियों के नंबर ही लिखे जाते हैं। हर राशि का मालिक निश्चित है और उसे याद रखना जरूरी है। राशि के मालिक या स्वामी को जान लेते हैं। पहली राशि मेष का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का फिर से बुध, यानी मिथुन और कन्या दो राशियों का मालिक बुध है, तुला का फिर से शुक्र, वृश्चिक का फिर से मंगल, धनु का गुरु, मकर और कुंभ का शनि और मीन का गुरु। सूर्य और चंद्र एक एक राशि के स्वामी होते हैं। राहु केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। बाकी के ग्रह यानी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। भाव के कारकत्व कुंडली देखने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर भाव किसी न किसी विषय वस्तु के बारे में बताता है। दुनिया की सारी बातों की जानकारी इस 12 भावों में छिपी हुई है। संपूर्ण कुंडली के बारे में जन्म और व्यक्ति का स्वभाव पहले भाव से देखा जाता है। धन, नेत्र, मुख, वाणी, परिवार दूसरे भाव से देखा जाता है। साहस, छोटे भाई बहन, मानसिक संतुलन तीसरे भाव से देखा जाता है। माँ, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, घर आदि चौथे भाव से देखा जाता है। बच्चे, बुद्धि पांचवें घर से, रोग, शत्रु और रोन छठे भाव से देखा जाता है। विवाह, जीवन साथी, पार्टनर सातवें भाव से देखा जाता है। आयु, खतरा, दुर्घटना आठवें भाव से देखा जाता है। भाग्य, पिता, गुरु, धर्म नवें भाव से देखा जाता है। कर्म, व्यवसाय, पद, ख्याति दसवें भाव से देखा जाता है। लाभ, अभिलाषा, पूर्ति ग्यारह भाव से देखा जाता है। खर्चा, नुकसान, मोक्ष बारहवें भाव से देखा जाता है। सामान्यतः 6, 8, 12 भाव में किसी ग्रह का बैठना खराब माना जाता है। यह एक सामान्य नियम है और इसके कुछ अपवाद भी है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सामान्यतः 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ ग्रह न केवल अपने कारकत्व को खराब करता है, लेकिन वो जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का भी कारकत्व खराब करता है। जैसे कि इस कुंडली में मंगल 8वें भाव में है। इस कुंडली में मंगल ने अपना कारकत्व खो दिया है। इस कुंडली में मंगल 3रे और 10वें भाव का स्वामी है। मंगल 8वें भाव में होने से 3रे भाव के और 10वें भाव के कारकत्व को भी नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम ग्रहों की उच्चता और निचता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।